जय माता दी। दोस्तों, मैं रितु शुक्ला आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, ये बॉयल्ड आलू है और ये एक टमाटर है, तीन चार हरी मिर्च, एक चम्मच जीरा और ये कट्टू का आटा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इन सबको मिलाकर एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता रेसिपी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस आलू में मैं अब टमाटर को डालूंगी, जीरा मिर्चा सब कुछ को मैं एक साथ मिला दूंगी। अब मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। दोस्तों मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आप अपने हिसाब से डालिएगा जैसा आपको टेस्ट पसंद हो। इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने व्रत के लिए बनाया है। इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है जो कि व्रत का नमक होता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आलू को आपको बढ़िया से मैश करना है। देखिए मैंने सारा सब कुछ मिलाकर अच्छा सा डो बना लिया है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता रेसिपी है दोस्तों, एक बार जरूर बनाइएगा, व्रत में खा के आपको मजा आ जाएगा। ये मैंने इस कट्टू के आटे में नमक डाला है और हम कुछ भी नहीं डालेंगे। और देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिलाना है, इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाना है। दोस्तों अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं 9 दिन तक बस व्रत का ही खाना डालूंगी, तो अगर आपको पसंद है तो आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बनाया था पर मुझे थोड़ा गीला लग रहा था, बाद में मैंने थोड़ा और कट्टू का आटा मिलाया है इसमें, तो आप भी थोड़ा सा टाइट ही डो रखिएगा तो अच्छे से बनेगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें नींबू के जितना बड़ा इसका गोला लेकर बनाना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा हमारी रेसिपी कैसी लगती है और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे आलूओं का इस तरीके से नींबू की तरह बॉल बना लिया है। अब हमने कढ़ाई में तेल डाल दिए, अब जब ये गर्म होगा तो हम एक एक करके डालेंगे उसे। ये देखिए दोस्तों मेरा ये डो जो मैंने बनाया था, ये पेस्ट थोड़ा पतला हो गया था तो आप अपने हिसाब से थोड़ा गाढ़ा रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, एक एक हमें इस तरीके से डालना है इसमें। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही चटपटी लगती है, तो अगर आपने व्रत किया है तो जरूर एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं भी किया तो भी खाकर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। ये देखिए दोस्तों, एक साइड से हो गई, अब हम इसे पलटेंगे। दोस्तों नवरात्रे चल रहे हैं तो बस अभी आपको इसी तरीके की रेसिपी मेरे चैनल पर मिलेगी, तो आप एक बार जाकर जरूर से देखिएगा, उसमें फलहारी की बहुत सारी रेसिपियां हैं। दोस्तों हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ये देखिए दोस्तों, ये बनकर इस तरीके से तैयार हुई है। इसे आप रायते के साथ खा सकते हैं या फिर केवल दही के साथ, छाछ के साथ, किसी चीज के साथ भी खाइए, या फिर गरम गरम चाय के साथ, बहुत ही मजा आएगा और बिल्कुल यूनिक नाश्ता रेसिपी है। मुझे नहीं लगता इससे पहले आपने देखा होगा इसे इस तरीके से बनते हुए, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है ये, और खाने में भी बहुत ही अच्छा बना था। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लगेगा सर्व करने के बाद में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आपने व्रत किया है दोस्तों तो जरूर बना के खाइएगा, बहुत झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी डिश है। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे धनिया पत्ता के साथ गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक तोड़कर दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनी है। देखिए दोस्तों, ये अभी भी कितनी गर्म है, इसमें से पूरा धुआं निकल रहा है। दोस्तों हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो हैं, जाकर जरूर से देखिएगा। हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।